फ्रेंड, आज हम लोग लौकी चना दाल की सब्जी बनाने जा रहे हैं। मैंने सारे कुछ काट के तैयार कर लिया है लौकी को, और अब हम लोग जल्दी से कुकर में तेल डालेंगे। और तेल डालने के बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, उसमें जीरा को डालेंगे। लौकी में जीरा डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। जीरा के साथ एक लौंग, एक छोटी इलायची भी डाल देंगे। जैसे ही ये क्रैकल हो जाएगा, हम लोग इसके क्रैकल होने का इंतज़ार करते हैं। ये क्रैकल हो जाने के बाद इसमें तेज़पत्ता और एक लाल सूखी मिर्च डाल देंगे। और जैसे ही ये हो जाएगा, हम लोग उसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद लहसुन, अदरक और मिर्चा, हरी मिर्च काट कर थोड़ा सा डाल देंगे। हरी मिर्च से इसका टेस्ट अलग से अच्छा बढ़िया हो जाएगा। और दो पीस टमाटर भी डाल देते हैं। और जब तक ये टमाटर गलेगा, प्याज नमक डाल देंगे, और प्याज और टमाटर दोनों ही नमक के साथ गल जाएगा। और उसके बाद हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मीट मसाला, ये हम लोग सब कुछ ऐड करके इसको ड्राई रखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें तेल में डाल करके मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। ये अब हमने डाल दी सारे मसाले को एक साथ डाल करके, अब इसे रोस्ट होने लायक कर दिए हैं तेल में। ये जब तक अच्छी तरह से भून जाएगा, हम इस पर लौकी डाल देंगे। और लौकी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक करके रखेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे थोड़ी देर के लिए प्रेशर नहीं लाएंगे, लेकिन ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। और फिर देखिए, थोड़ी देर के बाद चला करके देखेंगे, ये अच्छी तरह से भुन गया है, मसाले के साथ पूरा मिक्सअप हो गया है। और इसमें हम लोग डालने के लिए चना दाल को हम पहले से रात में भिगो करके रखे थे। इसको 4 घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। भिगो के हल्का सा उबाल लिए थे और एक प्रेशर का एक सीटी आने तक उबाल लिए, और उसके बाद इसमें मिक्स कर दिए। जैसे ही अब ये दोनों मिक्सअप हो करके, एक सीटी इसमें भी आएगा और हम लोग का लौकी चना दाल का सब्जी तैयार हो जाएगा। देखिए, तैयार है लौकी चना दाल की सब्जी। और अब हम इसमें थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। देखिए, बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तेज़पत्ता को बाहर निकाल कर फेंक देंगे, और अब इसको धनिया पत्ती डाल करके अच्छा से गार्निश कर लेंगे। धनिया पत्ती डालने से इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। ये अब सर्व करने की तैयारी से हम रोटी या चावल किसी के भी साथ अच्छी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा।